थोड़ी ही देर में शुरू होगा राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2022 का महामुकाबला। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव किए, तो वहीं पर गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी कई दिग्गज खिलाड़ियों को टीम में जगह दी है। इन खिलाड़ियों की वापसी के बाद अब प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार क्या होने वाली है दोनों टीमों की प्लेइंग 11, किन बदलावों के साथ ये टीमें मैदान पर उतरने वाली है। साथ ही हम जानेंगे कि यह मुकाबला कब खेला जाएगा, कितने बजे खेला जाएगा, इस महा मुकाबले को आप किस तरह से लाइव देख पाएंगे और किन किन खिलाड़ियों का यहाँ पर कमाल का परफॉर्मेंस रहने वाला है, यानी कि कौन कौन से खिलाड़ी यहाँ पर कमाल कर सकते हैं, और इस मुकाबले की प्रेडिक्शन भी हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन सी टीम का पलड़ा यहाँ पर भारी रहने वाला है, यानी कि यह मुकाबला कौन सी टीम जीत सकती है, इसके बारे में भी तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के अंत तक। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, और साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करे तो। और साथ ही साथ अपनी फेवरेट टीम का नाम हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर दोनों टीमों के परफॉर्मेंस की, तो दोनों टीमों का परफॉर्मेंस अब तक काफ़ी शानदार देखने को मिला है। दोनों टीमें काफ़ी शानदार फॉर्म में उतरी है, दोनों टीमों ने अब तक कमाल का परफॉर्मेंस किया है और फाइनल तक का सफ़र भी दोनों टीमों ने यहाँ पर तय किया है। तो दोस्तों, आईपीएल 2022 का सबसे बड़ा महामुकाबला यहाँ पर हम बात करें तो यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहाँ पर राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच हमें धमाकेदार टक्कर देखने को मिलने वाली है, यानी कि चैंपियन बनने की होड़ यहाँ पर गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच काफ़ी शानदार देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर फुल होम हाउस स्टेडियम मुकाबले के समय को देखते की बात करें तो यहाँ पर इस मुकाबले का समय बदल चुका है, लेकिन हम आपको इसके समय के बारे में बताएंगे और साथ ही मुकाबले की प्रेडिक्शन बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर दोनों टीमों की प्लेइंग 11, आखिरकार किस प्लेइंग 11 के साथ ये टीमें मैदान पर उतरने वाली है, कौन कौन से खिलाड़ी को यहाँ पर इस प्लेइंग 11 में जगह मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें गुजरात टाइटंस की टीम की प्लेइंग 11 की, तो इस टीम की ओपनिंग करेंगे यहाँ पर सुमन गिल के साथ रिद्धिमान शाह, जो कि अब तक शानदार फॉर्म में उतरे हैं। रिद्धिमान शाह हालांकि पिछले मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन ये कमाल के बल्लेबाज है और यहाँ पर टीम को शानदार शुरुआत दे सकते हैं और दोनों खिलाड़ियों ने कमाल का परफॉर्मेंस भी किया है। वहीं पर नंबर 3 पर मैथ्यू वेड उतरेंगे, जिन्होंने अपने पिछले मुकाबले में 35 रनों की शानदार पारी खेली थी और यहाँ पर ये कमाल का परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 4 पर खतरनाक बल्लेबाजी करने वाले हैं हार्दिक पांड्या, जो टीम के लिए कमाल का परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं और इन्होंने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करके भी दिखाया है। वहीं नंबर 5 पर राजस्थान रॉयल्स के हाथों जीत छीनने वाला खिलाड़ी, यानी कि फिनिशर का शानदार रोल निभाने वाले खिलाड़ी डेविड मिलर उतरने वाले हैं, जो कि यहाँ पर अब तक टीम के लिए शानदार परफॉर्मेंस करते आए और यहाँ पर भी अपनी तूफानी बल्लेबाजी के तौर पर टीम को अच्छा खासा दमखम पर पहुँचा सकते हैं। वहीं नंबर 6 पर राहुल तेवटिया उतरेंगे, जो शानदार फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं। वहीं नंबर 7 पर राशिद खान दिखेंगे, नंबर 8 पर अलजरी जोसेफ, तो नंबर 9 पर हमें आर साई किशोर उतरते हुए दिखेंगे। वहीं नंबर 10 पर यहाँ पर कमाल कर सकते हैं यश दयाल, जो आक्रामक गेंदबाजी के दम पर यहाँ पर टीम को बड़ी ऊंचाइयों पर पहुँचा सकते हैं। वहीं नंबर 11 पर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी उतरेंगे, जो कि राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम राजस्थान रॉयल्स की टीम की बात करें तो इस टीम की ओपनिंग करेंगे यहाँ पर यशस्वी जोसवाल के साथ जोस बटलर, जो अब तक शानदार फॉर्म में उतरे हैं और जोस बटलर जो कि अब तक अपने 4 शतक भी पूरे कर चुके हैं और 800 से ज़्यादा रन भी जोस बटलर अब तक ले चुके हैं। वहीं पर यशस्वी जोसवाल जो भी शानदार फॉर्म में उतर चुके हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने अब तक टीम को अच्छी ओपनिंग जोड़ी साबित हुई है और दोनों खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत भी दी है, तो यहाँ पर एक बार फिर ये कमाल कर सकते हैं गुजरात टाइटंस की टीम के सामने। वहीं नंबर 3 पर टीम के कप्तान संजू सैमसन उतरेंगे, जो अब तक अच्छी फॉर्म में उतर चुके हैं और इन्होंने टीम के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है। वहीं कप्तानी पारी में भी इन्होंने अब तक अच्छी भूमिका निभाई है, तो यहाँ पर फाइनल में भी ये एक बार फिर अपनी तूफानी बल्लेबाजी के तौर पर गुजरात टाइटंस की टीम को दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। वहीं नंबर 4 पर देवदत्त पाटिकल उतरेंगे, नंबर 5 पर सिमरन हेडमायर दिखेंगे, वहीं नंबर 6 पर रियान पराग उतरेंगे, वहीं नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रविचंद्रन अश्विन, जो अपने आक्रामक बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी करके दिखा सकते हैं। वहीं नंबर 8 पर ट्रेंट बोल्ट उतरेंगे, जो पावर प्ले में शानदार गेंदबाजी कर सकते हैं। वहीं नंबर 9 पर युजवेंद्र चहल दिखेंगे, नंबर 10 पर प्रसिद्ध कृष्णा, तो नंबर 11 पर ओबी मैकोय हमें इस टीम की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे।
यानी कि यहाँ पर दोनों टीमों के पास कहीं ऐसे बड़े नाम शामिल है जो इस मुकाबले में कमाल कर सकते हैं। वहीं दोस्तों हम बात करें इस मुकाबले की प्रेडिक्शन की, तो यहाँ पर एक बार फिर पलड़ा भारी रह सकता है राजस्थान रॉयल्स की टीम का, क्योंकि गुजरात टाइटेंस की टीम के सामने अब राजस्थान रॉयल्स की टीम इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस कर सकती है, क्योंकि इस टीम के पास जोस बटलर जैसा और ट्रेंट बोल्ट जैसा बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद है जो टीम का कभी भी पासा पलट सकते हैं। वहीं पर हम इस मुकाबले के समय की बात करें तो यहाँ पर इस मुकाबले का समय बदल चुका है, क्योंकि क्लोजिंग सेरेमनी के चलते हुए यहाँ पर यह मुकाबला 30 मिनट लेट शुरू होने वाला है, यानी कि इस मुकाबले की शुरुआत शाम को 8 बजे शुरू होने वाली है, 7:30 बजे शुरू ना होकर के। वहीं दोस्तों अब हम बात करें इस मुकाबले के लाइव प्रसारण की, तो इस मुकाबले का लाइव प्रसारण आप टेलीविजन में स्टार स्पोर्ट और मोबाइल में डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देख पाएंगे। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है, आप हमें अपनी राय कॉमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।